आज वाली क्लास में भी सेम पॉइंट को फर्दर पुश करते हैं। अब एक बात का रेगुलर बिल्कुल रेगुलरिटी में ध्यान रखना, जो साथ में हमें हर लेक्चर के कंप्लीट होने पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको साथ साथ कंप्लीट करके आना क्लास में। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, देखो इट इज़ अ 360 डिग्रीज कर्व। लर्निंग हमारी बनती है कि हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें समझी, अब वो हमें आनी चाहिए। तो केवल सुनने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। तो जो भी ट्रबल आई उसको साथ साथ बिल्कुल ऑब्जर्व करना। तो चलो, हमें ये क्लैरिटी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा नाम से अराइज हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अब के बाद सोचो कि उसके दो हिस्से हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। पर याद रखना, ऐसे लिखने के फॉर्मेट में एक्स और वाई को बार बार ऐसे बोलो कि वो दोनों रियल नंबर होंगे, इसको नहीं छोड़ना। आज तक हमारे माइंड में जो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट था वो सेट था रियल नंबर्स का। अब एक्चुअली रियल नंबर्स भी हमने अब रियलाइज करा कि ये भी पार्ट हैं एक बड़ी स्टोरी का, वो स्टोरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले सेट का एक पार्ट है रियल नंबर्स। जितने भी हमने रियल नंबर करे, मान लो फोर को देखें, तो एक्चुअली फोर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फोर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर हम कह सकें तो हमें दिखता है कि जो उसका रियल पार्ट है वो फोर है और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। तो एनी रियल नंबर इज एक्चुअली इन इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, जीरो। ऐसे ही कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर भी अगर हो, मान लो कोई नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या बना कि उसका जो रियल पार्ट है वो जीरो है, मान लो फाइव आयोटा, तो हमें क्लैरिटी है कि वो एक्चुअली जीरो प्लस फाइव आयोटा है। तो अपने माइंड में ये सेंस बनाना शुरू करो, कॉम्प्लेक्स नंबर नया नाम है पर बहुत सिंपल नाम है। बस अकेला जो हमारा कंसर्न है वो क्या कि हमारे माइंड में ये आयोटा वाली बात का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाए साथ साथ ही। तो दिस इज द मॉडल। सबसे बड़ा आज के बाद नंबर्स का सेट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसका एक हिस्सा क्या होते हैं रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ऐसे बोलो अपने आप को, तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं आती। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर मान लो हमें फर्दर क्लैरिटी है कि कभी मान लो कोई हमें क्वेश्चन दे दे कि 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सुनना इस बात को भी ध्यान से। मान लो किसी ने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, कोई हमसे पूछ ले कि बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 प्लस 3 आयोटा बड़ा है कि 3 प्लस 2 आयोटा बड़ा है, तो हमारा माइंड एक्चुअली वर्क करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेम्प्ट होते हैं छोटे बड़े के कंपैरिजन में रियल नंबर्स के सेंस में। तो हमेशा ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो वो रियल सेंस में नापने के सेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमें कहा जाए कि इनमें से कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है, तो वो एक वियर्ड क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी चीज़ों का आपस में छोटे बड़े का कंपैरिजन नहीं होता, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता छोटे बड़े का, तो इस बात को भी माइंड में रखना। अब बिल्कुल आयोटा से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और बिल्कुल साथ में देखना, अगर नोटिस करूं तो आयोटा की पावर वन हमने नोटिस करा कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर फोर इज वन। तो अगर इन चारों में अगर नोटिस करो, तो अगर हम इन चारों का सम करें तो हमें विजिबल है कि वो जीरो आ जाता है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर फोर का अगर सम करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जरा ऑब्जर्व करो, आयोटा की एक्चुअली हम लोग कोई भी लगातार चार पावर्स ले लें, इस बात को याद भी रखना, आयोटा की हम कोई भी कंजेक्टिव अगर फोर पावर्स अगर ले लेते हैं, मान लो मैंने एट रैंडम ले लिया आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर 38 प्लस आयोटा की पावर 39 प्लस आयोटा की पावर 40, तो विदाउट सॉल्विंग दीज टर्म्स एक्चुअली आई कैन डायरेक्टली से कि द आंसर वुड बी जीरो। और उसका रीज़न है, जब कभी हम आयोटा की लगातार चार पावर्स लेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि उनमें से एक पावर ने आयोटा बनना है, एक ने आयोटा स्क्वायर, एक ने आयोटा क्यूब और एक ने आयोटा की पावर फोर, तो उन चारों का सम मिला के हमने अभी भी नोटिस करा कि जीरो आ जाता है। पर लगातार चार पावर्स होनी चाहिए,
इस बात पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आईआईटी में भी बहुत बार आए हुए हैं, पर हमारे माइंड में ये मॉडल की क्लैरिटी होनी चाहिए। लगातार आयोटा की चार पावर्स अगर बने तो बिना कुछ करे हमें क्लैरिटी होती है कि उनका समेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब चलो इस बात को अप्लाई करवाता क्वेश्चन फेस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इस बात पे, पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। देखो एग्जामिनर ने हमें टर्म दी, समेशन करो एन इज इक्वल टू वन से लेके 57 तक आयोटा की पावर एन। तो हमारे माइंड में क्लैरिटी है कि समेशन में क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करो कि पूछा क्या गया है। हमने एन को 1, 2, 3 डाला तो सीरीज ये बना ली, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, 3, फिर 4। अब हमें पिछला करा हुआ पॉइंट ध्यान में आया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम ये तो करेंगे नहीं कि हर एक की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दें। तो हमने नोटिस करा कि आयोटा के चार चार के बंडल का सम मिला मिला के जीरो होता जाता है। तो पहले चार जीरो, फिर 5 से 8 तक का सम जीरो, ऐसे लास्ट में हमने नोटिस करा कि कब तक ये चार चार के बंडल बन पा रहे हैं। तो हमने नोटिस करा कि आयोटा की पावर 53 से 56 तक ये लास्ट बंडल बनता, जो कि चार चार के बंडल बनते जाते और ये सारे जीरो होते जाते। तो इन सबको जीरो करने पे एंड में बचेगा क्या, अकेली जो लास्ट टर्म बची विच इज आयोटा की पावर 57। तो हम आयोटा की पावर 57 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, विच इज आयोटा की पावर 56 इंटू आयोटा की पावर 1। तो इसका फाइनल आंसर विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल बनना चाहिए था आयोटा। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर क्वेश्चंस इस बात पे बहुत इंटरेस्टिंग बन सकते हैं। तो चलो इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ की प्रोबेबिलिटी थी, पर जो सेंस था वो सेंस समझना। हमने सबसे पहले नोटिस करा कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 237 माइनस हमने 23 करा वो आ गया 214। तो जो काम की बात थी वो ये कि हमें समझ में आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो दिस प्लस वन, मतलब ये 215 टर्म्स आती है, 215 टर्म्स आती। तो आयोटा की पार्ट 23, आयोटा की पार्ट 24, ऐसे यहाँ तक करने पे ये 215 टर्म्स थी। अब हम हर एक की वैल्यू बना के तो सॉल्व करते नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम सोचते क्या, हमने इतनी सी इतने से पॉइंट को पकड़ना है कि आयोटा की लगातार जब भी कोई चार पावर्स को लो तो उसका सम जीरो आ जाता है। तो बिना कुछ करे हमें क्लैरिटी है कि ये पहला चार जीरो हो जाता, फिर नेक्स्ट फोर जीरो हो जाता, फिर नेक्स्ट फोर जीरो हो जाता। तो आउट ऑफ दीज 215 टर्म्स द पॉइंट टू बी रियलाइज वॉज दिस कि द फर्स्ट 212 टर्म्स वुड बी डायरेक्टली गिव अस द सॉल्यूशन एज जीरो। 212 हमें समझ में आता है कि 215 टर्म्स में से 212 टर्म्स तो 4 का मल्टीपल है। तो जो शुरू की 212 टर्म्स हैं वो तो चार चार के बंडल बना बना के जीरो होती रहेंगी, कौन सी बचेंगी, लास्ट थ्री टर्म्स बच जाएंगी। लास्ट थ्री टर्म्स क्या बच गई, आयोटा की पार 235 प्लस आयोटा की पार 236 प्लस आयोटा की पार 237। ऐसे बोल लो या ये बोल दो कि शुरू की तीन टर्म्स को छोड़ दो, बाकी चार चार का बंडल बना बना के जीरो होती जाएंगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रियलाइज इज दिस कि आयोटा की लगातार चार पावर्स जीरो होती जाती है, चार चार के पैकेट जीरो होते जाएंगे। तो 215 टर्म्स में से हमने रियलाइज करा कि चार चार ने तो जीरो होते जाना है, तो 212 टर्म्स तक तो जीरो डायरेक्टली क्लियर है, चार चार के बंडल बने, एंड में तीन टर्म्स बच गई, वो तीन टर्म्स हमने अलग से लिख ली। तो आयोटा की पार 235 हमें समझ में आता है कि इसको अलग से ब्रेक कर लूँ, ये बन गया आयोटा की पार 232 इंटू आयोटा की, ये क्या बन गया माइनस आयोटा। ऐसे अगला क्या बन जाएगा, आयोटा की पार 4 विच इज़ 1, और अगला बन जाएगा आयोटा की पार 232 और फिर आयोटा की पार 1 अकेला आयोटा, ये और ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर बन जाता दैट वॉज। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज दिस कि हमारा लॉजिक ये होना चाहिए था। अब इसी क्वेश्चन में बजाय एंड की तीन टर्म्स को लेने के, अगर किसी ने शुरू की तीन टर्म्स को भी लिया तो भी एक ही बात है, सेम आंसर आता तब भी। तो इसलिए देखो जो बिल्कुल बेसिक बात भी करेंगे ना उसके बीच में भी कितनी हिडन पॉइंट्स होते हैं, तो हमें वो बिल्कुल पकड़ में आने चाहिए। तो चलो अब इस आयोटा वाली डेफिनेशन में इस इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग को पकड़ के फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्प्लीटली एंट्री करवाएगा, तो उसको भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब ना इसी पॉइंट पे कुछ रिलेटेड से बहुत सिंपल से नाम समझो।
पहला थॉट हमारे माइंड में क्या आ गया कि आयोटा की पावर्स की मैनिपुलेशन कैसी है. आयोटा क्या था, एक कोई इमेजिनरी नंबर. अब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करा कि वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जिसमें हमने अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लिया कि जो एक्स और वाई हैं दे हैव टू बी अ रियल नंबर फॉर दिस होल स्टोरी टू वर्क, दैट एक्स एंड वाई शुड बी अ रियल नंबर. देन वी वुडंट बी कन्फ्यूज इन टू एनी क्वेश्चन, कभी भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं आएगी. तो अब मान लो कभी किसी ने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जेड वन और जेड टू, और मान लो उसने वो देख के हमें कहा कि जेड वन और जेड टू अगर मान लो आपस में इक्वल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू. किसी ने कहा कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने इस बात को नोटिस करा कि छोटा बड़ा नहीं होता. अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट होगा तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता. तो अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो अपने माइंड में क्लियरली डाल के रखना कि जो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ये लिखे साथ साथ हुए हैं, पर इनका डायरेक्टली आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया जाए कि इक्वल है, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल मतलब एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल मतलब वाई वन इज इक्वल टू वाई टू. तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, पर इस पर बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम फेस करेंगे. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, इट डायरेक्टली मीन्स कि द रियल पार्ट ऑफ बोथ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ दोज कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑल्सो इक्वल. वो दोनों बराबर होंगे, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर. तो दिस इज द कंसेप्ट. अब मान लो कभी हमें ये अप्लाई करना पड़ जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने दे दिया कि 3 प्लस एक्स इंटू आयोटा प्लस 2 माइनस वाई बराबर है 5 प्लस 7 आयोटा के. तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो हमें देखते ही समझ में आया कि ऐसा कब होगा, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा. तो इस केस में इसका रियल पार्ट क्या बना जो अलग से लिखा हुआ है आयोटा के अलावा, इधर का रियल पार्ट क्या है, ये 5. तो 2 माइनस वाई बराबर हो गया 5 के और 3 प्लस एक्स बराबर हो गया 7 के. हमें दो इक्वेशंस मिल गई एक साथ, दिस एंड दिस दोनों मिली, वहां से वाई और एक्स हमने इजीली ऑब्टेन कर लिया. तो बहुत बेसिक सी बात है, क्वेश्चंस में हमें बहुत क्लियरली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. इस पे बेस्ड अब जो क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस हमें इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए थी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड. तो अब जब क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं तो उससे पहले एक दो नाम देखते हैं जो कि बहुत रिलेटेड हैं. पर चलो बिल्कुल सेम पॉइंट पे पहले क्वेश्चन जरा अपने आप सॉल्व कर दो. चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला. अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए हमारे माइंड में, रियल को रियल के साथ इक्वेट करो. याद रखना एक्स वाई नाम में कंफ्यूज नहीं होना, एक तरफ के रियल पार्ट को दूसरी तरफ के रियल पार्ट के बराबर करो. तो इस केस में इधर का रियल पार्ट क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, उस साइड का रियल पार्ट माइनस 12. तो रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के. तो हमें विजिबल है कि 9y बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 20 के. दोनों को हमने इक्वेट करा, क्वाड्रेटिक सिंपल सी है, x आ गया 3 और 4, y आ गया 5 और 4. बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन था ये वाला भी. तो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग. तो ये क्वेश्चन हमसे कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए था, इसको ध्यान में रखना. अब इसके साथ ही बिल्कुल इसी से रिलेटेड कुछ बहुत सिंपल से न्यू नेम्स हैं. आज वाली क्लास में हमने क्या करा, आयोटा नाम समझा, फिर हमने ऑब्जर्व करा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो क्या करते हैं, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, ऐसे इक्वेट करते हैं. तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही कुछ बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है. तो आज वाली क्लास का फोकस क्या है, आज वाली क्लास में मेन फोकस क्या है कि हमें थ्योरी के बहुत बेसिक से नाम समझ में आ जाए. तो नेक्स्ट क्लास में इन सारे नेम्स को लेके इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. पर आज वाली क्लास में अपनी कॉपी पे साथ में इन नेम्स को बनाओ, अपने माइंड में रखना शुरू करो.